रहीम, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 कर रहे हैं और मैथ है हमारा फिफ्थ क्लास का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1.5 थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जो ना वो एक्सरसाइज थी आपकी क्लास के मुताबिक, लेकिन ये उसके मुकाबले में इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। यानी कि जो आपने 3 और 4 में कंसेप्ट पढ़ा है यहाँ पर वही हम यूटिलाइज करेंगे। तो आए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसका टोटल 15 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने ये 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों की खुद यहाँ पर भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए और जो बकिया क्वेश्चन 7 रह जाएगी वो आप लोग घर जाके कीजिएगा ताकि आप घर जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर 100% श्योर हो जाएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 72 - 50 और +12। तो मैं इसके जो पहले 7 क्वेश्चंस हैं उसको मैं बताता जाऊं कि उसमें सभी में ये प्लस और माइनस का ही कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि आपने पहले उनको प्लस वाली को आपने हल करना है जो प्लस वाली वैल्यूज होगी, फिर जब वो प्लस कर लेंगे जो बकिया बचेगा वो माइनस वाली होगी, फिर मनफी वाले को हल कर लेंगे। तो हम पहले 7 का कंसेप्ट प्लस और माइनस वाला ही है। तो देखते हैं कि हमने ये सोल्यूशन लिख लिया, किसका सोल्यूशन लेना जी हमने 72 और माइनस 50 और प्लस 12। तो पहले हम इसको रीरेंज करूंगा कि 72 इसमें से प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया, क्योंकि हमने पहले बताया है कि कंसेप्ट पहले प्लस होगा और माइनस 50 बाद में लिख लिया गया। नहीं जी, ये तो आपको पता होगा कि दोनों को अब हमने प्लस करना है, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8। अगर ऐसे नहीं भी पता चल रहा तो 72 को ऊपर लिख लें और 12 को नीचे लिख लें और इस तरह प्लस कर लें 2 और 2 4, 7 और 1 8। तो मैंने इधर 84 लिख लिया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस का 50। तो अब हम इसमें से 84 में से क्या कर देंगे, ये सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस 50। 4 में से 0 सबट्रैक्ट किया तो 4, 8 में से 5 सबट्रैक्ट किया तो 3। तो टोटल आंसर हमारे पास आ गया 34। ये है रिक्वायर्ड आंसर और ये आपने देखा तो कितने इजी क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी कितना आसान है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप करेंगे, 4 की तरफ आप दोबारा आते हैं। 76 - 44 और +27। तो पहले हम उसी तरह सोल्यूशन लिखा, किसका सोल्यूशन है जी 76 का माइनस 44 का और +27। तो यहां पर भी हम पहले किसको हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे प्लस को, तो रीरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 76 प्लस 27 को पहले लिखना पड़ेगा और माइनस 44 बाद में। तो अब दोबारा इनको हम प्लस कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया है, ये जो 2, 3 में आप कंसेप्ट किया है उसी को हम हल करते हैं। 7 और 6 13 और 1 कहें, 7 to 9 9 और 1 10। तो ये कितने आ जाएंगे 103 और माइनस का 44। अब दोबारा क्या करेंगे, ये 44 माइनस हो रहा है तो मनफी करते हैं, 3 में से 4 सबट्रैक्ट नहीं होता इसलिए 1 कह लिया, तो ये 13 बना, 13 में 4 गया तो 9, ये 10 की जगह पे 4 9 रह गया, 9 में से 4 गया तो बाकी क्या आ गया 59। तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर 59 जी। कंसेप्ट का पता चल रहा होगा, समझ भी आ रही होगी। और अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप करेंगे, 6 की तरफ मैं आता हूं और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, किसका 89 + 40 - 20। तो ये देखिए हमें इसको रीरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले ही दोनों प्लस हो रहे हैं, 9 में 0 प्लस किया तो 9, 8 और 4 12। वरना आप लोग इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था, माइनस का 20। तो 129 में से हमने मनफी 20 निकाला, तो 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से 2 गया तो 0 और बाकी बचा क्या
वन ले जी। कितना इजी क्वेश्चन है कि दो स्टेप के अंदर हमारा हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन आप करेंगे, एट की तरफ में आता हूं। एट में सोल्यूशन किस चीज का है, 24 डिवाइड 4 और क्रॉस 6। तो यहां पे वो प्लस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि कंसेप्ट है अब डिवाइड का और फिर मल्टीप्लाई का। तो पहले हम डिवाइड को हल करेंगे और फिर हम मल्टीप्लीकेशन को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, पहले डिवीजन और बाद में मल्टीप्लीकेशन। तो अब आपने ये याद रखना है कि 8 से लेकर जो आगे 15 तक क्वेश्चन है ये सारे इसी रूल के तहत ही होंगे कि पहले आप डिवाइड को और फिर आप मल्टीप्लीकेशन को और फिर उसके बाद प्लस को और फिर उसके बाद माइनस को। तो यही कंसेप्ट आप अगले एक्सरसाइज में भी आएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो 24 और डिवाइड 4 है, हमें पता है कि इनको हम डिवीजन के मेथड से किस तरह कर सकते हैं। 4 6 24, तो आंसर क्या आया 6। तो 24 डिवाइड 4 किया तो आंसर क्या आया 6। और आगे क्या है, आगे भी 6। तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 ले लिए। ये भी दो स्टेप का क्वेश्चन है, क्यों भी समझ आ रही ना। हाँ आसान है ना, तो समझ तो आएगी। अब देखें 9 आप करेंगे और 10 की तरफ मैं आता हूं। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है जी 12 मल्टीप्लाई 32 और डिवाइड 8। तो यहां पर भी हमें नजर आ गया कि पहले हमने हल करना है डिवीजन को, और डिवीजन में क्या है 32 और डिवाइड किसमें करना है हमने 8 में। 8 4 32, आंसर क्या आया 12 सेम रहा, 32 को डिवाइड 8 पर किया तो आंसर क्या आ गया है, आंसर आ गया है 4। और 12 4 कितना होता है, 12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48। ले ली, दो दो स्टेप के क्वेश्चंस हैं और कितने आसान हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप करेंगे और मैं आपको 13 की तरफ ले जाता हूं। 99 डिवाइड है 11 और मल्टीप्लाई है 4। अब ये देखिए हमारे पास 99 को 11 पर डिवाइड करना है, 99 तो 11 9 99, तो आंसर क्या आया 9 और क्रॉस है 4। तो आगे 9 का 4 तक टेबल, 9 4 36 ले। कितने इजी क्वेश्चन है जो हल हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं करूंगा, 15 भी मैं करूंगा, ताकि आपका भी कुछ हिस्सा जो है वो मैं काम कर सकूं प्रैक्टिस के अंदर। आगे है सोल्यूशन 15 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 10। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले किसको हल किया जाता है, डिवीजन को। 100 को 10 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 10 10 100, इसलिए क्या आ गया 10। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 150। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15 सॉल्यूशन है 28 और डिवाइड है 4 और मल्टीप्लाई है 8 जी। किसको हल करना पड़ेगा पहले, 28 डिवाइड 4 को। तो हम देखते हैं कि ये जो 28 है और इसे डिवाइड 4 पे करते हैं, 4 7s are 28, तो क्या आएगा भाई 7। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8, तो 7 8s are 56 जी। समझ आ गई ना, हाँ इजी क्वेश्चन है ना, तो समझ तो आएगी। अब प्रैक्टिस कीजिएगा और अगली एक्सरसाइज पर नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे।